चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोगों की रिक्वेस्ट पर WD ज्ञान को IFMC ने लॉन्च किया था। आइए जानते हैं WD ज्ञान के बारे में पुनीत सर से। हेलो एंड वेलकम टू IFMC। माय नेम इज पुनीत एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च वन ऑफ द कोर्स व्हिच इज ऑन WD ज्ञान। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ज्ञान के ऊपर हमारे को कंटेंट नहीं मिलता है, हमारे को कुछ नॉलेज नहीं मिलती है, कोई हमारे को बताने वाला नहीं है, कोई हमारे को सिखाने वाला नहीं है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के लेवल कैसे निकाले जाते हैं। स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट कोई ये नहीं बताता कि ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करा है कि कैसे हम ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो कैसे मैं ज्ञान को यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ तो कैसे मैं ज्ञान को यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। जैसे पहली चीज़ जो हमने यूज़ करी है वो करी है ज्ञान स्क्वायर ऑफ बॉक्स। ज्ञान स्क्वायर ऑफ बॉक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। बेसिकली ज्ञान ने एक बॉक्स बनाया था। मैं अभी कैलकुलेशन मेथडोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ कैसे उसको हमें प्लॉट करना है, बट एक आइडिया दे देता हूँ कि ज्ञान स्क्वायर ऑफ बॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को क्लोन कर सकते हैं कि कैसे मार्केट ने यहाँ पे बिहेव करा था, उसके बाद मार्केट ये कैसे बिहेव करेगी। इसके अंदर हम टाइम को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारी टॉप बना था, ये टॉप जो बना था ये कब बना था, तो नेक्स्ट टॉप भी जो बनेगा या बॉटम बनेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर ही बनेगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जितना टाइम लगा था इस टॉप को बनने में, स्विंग हाई को, उतना ही टाइम लगेगा इस बॉटम को बनने में, और सेम वे नेक्स्ट टॉप भी जो है वो इसी टाइम के अंदर ही बनेगा। हम बीच में चाहे कुछ भी करते रहें, बट स्विंग हाई एंड स्विंग लोज को ही बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी ऑन द वेरियस टूल्स ऑफ ज्ञान। स्विंग हाई क्या है, जब मार्केट बढ़ रही है तो जो टॉप बनता है या जो लो बनता है इसको स्विंग लो बोला जाता है, जहां से हमारा ट्रेंड चेंज होता है, जहां से नेक्स्ट रैली स्टार्ट होती है वो हमारा स्विंग हाई हो जाता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर दी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पस के लिए। इसके अलावा अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान स्क्वेयरिंग एंड रिट्रेसमेंट लेवल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अगर मैं मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूं, कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, कहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो हमारी रैली स्टार्ट हो रही है वो कहां खत्म हो सकती है, वो सारी चीजें हमारे को रिट्रेसमेंट के थ्रू पता लग सकती है। जैसे कि हमने जो रैली करी है ये जो वापसी आएगा ये कहां तक आएगा, उनको कहा जाता है रिट्रेसमेंट। हम भागे हैं 10 रुपए, तो जो हम 5 रुपए वापस आ रहे हैं या 6 रुपए वापसी आ रहे हैं उसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट। सिमिलरली ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 विच कैन बी यूज फॉर एनी ऑफ द टाइम फ्रेम, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे मीडियम टर्म है, चाहे लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा ज्ञान के एंगल्स, कौन सा एंगल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ज्ञान के अंदर हम बोलते हैं 45 डिग्री एंगल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फायर भी करते हैं कोई चीज, वो चीज ज्यादा लंबी कब चलेगी, अगर कोई चीज इस डायरेक्शन के अंदर भाग रही है तो वो ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, अगर वो इस डायरेक्शन में भाग रही है तो वो ज्यादा लंबी चलेगी। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री एंगल विच इज द इंपॉर्टेंट एंगल। सो कोई भी स्टॉक जो 45 डिग्री पे रन कर रहा है वो लंबा चलेगा, जबकि जो 80 डिग्री या 90 डिग्री पे रन कर रहा है वो लंबा नहीं चलेगा। वो भाग सकता है लंबा, बट फॉल भी वैसा ही होएगा। तो मुझे जो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए वो 45 डिग्री एंगल्स के ऊपर करनी चाहिए। सिमिलरली ज्ञान की लॉन्ग टर्म रिवर्सल्स कब कब हो सकती है, इसके अलावा ज्ञान के सीजनल साइकिल्स, मार्केट की जो साइकिल्स हैं वो कब कब चेंज हो रही है, कैसे वो डिग्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि किस दिन जो है मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली किस मंथ के अंदर हाई बनेगा, किस मंथ के अंदर रिवर्सल हो सकता है। तो कुछ मंथ्स जो है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन अ ईयर, उनको हम सीजनल साइकिल कह सकते हैं। स्टॉक्स के नॉर्मली टॉप्स या बॉटम्स इन सीजनल साइकिल पे ही बनेंगे लंबे टाइम पे। ज्ञान स्क्वेयरिंग टाइम एंड प्राइस को यूज करके हम लंबी डेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस दिन हमारे जो है रिवर्सल हो सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूं एंड लेट अस सी
कैसे हम इसको यूज कर सकते थे। ज्ञान के अंदर वेरियस डिग्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो उसके अंदर भी हमने फिल्टर आउट करा हुआ है कि कौन कौन सी डिग्रीज, जैसे कि 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, 900 डिग्रीज, ये रिवर्सल के पॉइंट्स हो सकते हैं जहां जहां पे हमारे रिवर्सल आएंगे। मार्केट का अभी जो स्विंग लो बना था वो बना था यहां, विच इज समवेयर अराउंड 10,100 समथिंग के आसपास। इसका जो 180 डिग्री आता है दैट इज डॉट एट 10,964, यानी जो मार्केट का जो टॉप बनेगा वो इस लेवल के आसपास बनेगा, या अगर मैं यहां से बाय चल रहा हूं तो कहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। सेम वे हम किसी भी कंपनी के अंदर, ये क्या है, ये गैन स्क्वेयरिंग है, बेसिकली उसको हमने डायगोनल क्रॉस वर्टिकल क्रॉस के ऊपर ना लगा के उसको हमने बेसिकली फॉर्मूला बना के एक चार्टिंग टूल पे लगा दिया, जिसके अंदर हमारे ऑटोमेटिकली जो भी हमारे लेवल्स हैं वो कैलकुलेटेड मिल जाए। चाहे तो हम इसको एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे लगा सकते हैं। तो उसके अंदर हमने बकायदा फॉर्मूले बता रखे हैं कैसे आपको 180 डिग्री की रेजिस्टेंस निकालनी है, कैसे 360 डिग्री निकालनी है, 540 डिग्री निकालनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लें, कौन कौन से मेजर रिवर्सल पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर रखी है। ये हमारा डेली चार्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास ये भी आ रहा है कि इट इज अ सेल बिलो 351 विच इज दिस लेवल, ये स्विंग हाई बन गया तो इस लेवल के नीचे ये सेल बन जाएगा। अब इसका जो टारगेट है वो क्या हो सकता है, तो ये स्विंग हाई बना है तो इसके बाद जो पहला टारगेट जो बनेगा, हमने यहां बेचा होता है हम यहां एग्जिट हो जाते हैं, फिर बाजार देखते हैं यहां पे इमोशन आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के और लोग क्या हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। ये क्या है, ये साइकोलॉजी है कि आप नॉर्मली क्या करते हो, आप जब भी ट्रेड करते हो आप प्रॉफिट इतना लेते हो, उसके बाद जब प्राइस और नीचे आ जाता है आप लॉन्ग हो जाते हो और वो प्राइस क्रैश होकर यहां तक आ जाता है, आपने पैसे कमाए होते हैं इतने, लॉस दे रहे होते हैं आप इतना। ज्ञान आपको पेशेंस देता है, जो कि अगर आपने यहां बेचा है तो आप बैठे रहो, मिनिमम लेवल जो आता है वो 321 आता है, और डॉट एट 321 पे ही अडानी पोर्ट्स की सपोर्ट बनती है, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। अगर रुकेगा भी सही तो हम बैठे रहेंगे अपने ट्रेड पे, हमारा व्यू जो है वो सही है और हमारे को एक बड़ा टारगेट जो है वो ये लेवल्स दे सकते हैं। दिस इज गैन स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर ऑफ 9, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मेरे को लगता है इसके बिना हमारे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹7,200 है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹14,400 है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹18,000 है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को
परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।